गुजरात राजकोट में स्थित टीआरपी गेम जोन में आग लगी जिसकी चपेट में आकर 28 लोगों की मौत हो गई। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अब तक नहीं पता चल पाया कि उनके परिवार का जो सदस्य मिसिंग है वो कहाँ है। पुलिस ने अब तक 9 लोगों के डीएनए सैंपल मैच कराए हैं और 9 लोगों के परिजनों को उनका शव दे दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर के लोग वहां गए थे लेकिन वो अभी तक मिसिंग है, डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं हुई है। ऐसे ही एक लड़का है 20 साल का नीरव, जो अपने दोस्त के साथ टीआरपी गेम जोन गया तो था लेकिन वापस नहीं लौटा। उसके घर वाले मेरे साथ हैं, देख सकते हैं। हर कोई इस आस में है कि कोई खबर मिल जाए, बच्चा कहाँ है ये पता चल जाए। अस्पताल के चक्कर लगा रहा है परिवार, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आने की वजह से पिक्चर साफ नहीं हो पा रही है। हम उनके घर वालों से बात करेंगे। सर, नीरव कब गया था टीआरपी गेम जोन और फिलहाल की स्थिति क्या है? नीरव शाम को 5 बजे उसको मम्मी को बोल के गया कि मैं 1 घंटे में आता हूँ, और उसका एक दोस्त था। अगले दिन वो जूनागढ़ सासण के लिए वो रिसोर्ट में सब जाने वाला थे, वेकेशन था, सब एंजॉय कर रहे थे बच्चे, और 8 दोस्त वहां पे सासण जाने वाले थे, और 2 दोस्त ने नक्की किया कि टीआरपी जोन में 1 घंटा जाके फ्रेश होके आते हैं। 5 बजे उसकी मम्मी को बोल के जाता है कि 1 घंटे में मैं आता हूँ, और कुछ उसके बीच ऐसा हुआ कि वो 60 घंटे के बाद भी अभी तक वापिस लौटा नहीं है। पुलिस से बात हो रही है, पुलिस क्या बता रही है? पुलिस प्रशासन सब घटना के बाद बहुत बढ़िया सहकार दे रहा है। प्रशासन तंत्र सब 24 घंटा में 48 घंटा काम कर रहा है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये सब घटना के बाद की बात है। जब घटना घटी उसके बाद हमारा तो लड़का हम मिसिंग है, 60 घंटा हो गया, हम सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं, पुलिस जिसको भी फोन कर रहे हैं, जिसने नंबर दिया है, जिन लोगों के बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें लड़का तो नहीं आया, उसका हमें अभी शव भी नहीं मिला है, और हम परेशान है। सब क्या करें वो समझ नहीं आ रहा है, दिमाग अभी काम नहीं कर रहे है। डर का माहौल ऐसा है कि लड़का भाई का था। आज बहुत लोगों से बात हुई, बहुत लोगों ने सांत्वना दी है, लेकिन समझ नहीं आता है हमारे लड़कों को भी बाहर भेजे कि कैसे भेजे। हमारे लड़कों को भी बाहर कोई ऐसे गेम जोन में या कोई मॉल में, थिएटर में, शॉपिंग मॉल में कहीं पर भी जाते हैं अकेले, तो वो जाके वहां से वापस आएंगे कि नहीं, ये डर का माहौल हमारे मन में घुसा हुआ है। उस परिस्थिति से हम कैसे निपटे ये प्रश्न हमारा है। वो हम आपको विनती करते हैं कि आप उसका जवाब हम प्रजा को दीजिए। वी आर स्टूपिड कॉमन मैन, जैसे बात हुई थी, वी आर स्टूपिड कॉमन मैन। आपका कहना भी सही है, जनता सरकार को टैक्स देती है, उम्मीद होती है कि सरकार जो होगी सारी चीजों को लोगों के लिए बनाया जाएगा, लेकिन बिना फायर एनओसी के इतने सालों तक गेम जोन चलता रहा, किसी को कोई कुछ भी नहीं पड़ी थी यही लग रहा था। घटना के बाद लोग एक्टिव हुए, 7 लोगों का निलंबन हुआ, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नीरव के पिताजी हमारे साथ हैं। सर, ये इस परिस्थिति में प्रशासन आपको अच्छे से जवाब तो दे रहा है, लेकिन फिलहाल नीरव की खोज खबर को लेकर क्या कह रहा है? अभी तक कुछ पता नहीं चला, मैं तो ऐसा कहता हुआ 3 दिन हो गए, हमें परेशान है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है मेरे को। आपका डीएनए लिया है? डीएनए ले लिया है, हमारा पहले दिन ही ले लिया रात को 1 बजे, अभी तक कुछ समाचार नहीं मिला मेरे को। आपका अकेला लड़का था, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है मेरा। क्या पढ़ाई करता था? दर्शन कॉलेज में 2रे साल में था कॉलेज का। बहुत ही होनहार बच्चा था। बच्चे के बारे में अगर बात करें तो खाली लड़का नहीं था, आज दोस्त भी था, एक हमदर्द भी था, कोई बहन नहीं थी उसकी, भाई नहीं था, अकेला था। आज माँ बाप का परिवार पूरा उजड़ गया। कुछ ऐसा हुआ, 5 बजे जाके उसकी माँ अभी भी बैठ के रो रही है, आंख में आंसू नहीं सूख रहे कि लड़का कब आएगा, वो प्रश्न का हम जवाब नहीं दे पा रहे उसको। हम कौन सी आंख मिला के उसको बताए कि उसका लड़का अब नहीं आएगा, हम क्या बताएंगे उसको? हम उसका जवाब चाहते हैं, हम उसका सब चाहते हैं। अब तो हमारी कोई डिमांड नहीं है और कि हम क्या करें, लेकिन हमको हमारे बच्चे का शव देख दे तो हम उसको अंतिम संस्कार करने का भी हम सौभाग्य प्राप्त कर सके। हमारी और कुछ डिमांड नहीं है। सरकार ने 4 लाख की सहाय दी है, उसके फॉलोअप्स भी बहुत फास्ट आ गए हैं। अधिकारियों ने हमको फोन करके बैंक डिटेल्स वगैरह भी मांग लिए हैं, लेकिन 4 लाख से क्या होगा साहब?
आज डर का माहौल ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी की कीमत भी कुछ 4 लाख के आजू बाजू होगी। कहीं कभी मैं भी नहीं आऊंगा, कभी फैक्ट्री ऑफिस से मैं भी नहीं आऊंगा, तब मुझे भी ऐसा लगेगा अंदर की मेरी जिंदगी की कीमत भी 4 लाख होगी कि परिवार को 4 लाख मिलेंगे। नीरव के परिजनों का और भी गंभीर आरोप है सरकार पर, उनके परिजनों से हम जानेंगे। नीरव तो खैर अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि डीएनए मैच हो जाए, जो भी चीजें प्रोसेस है वो पूरी हो जाए। आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, सबूत की बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसका मतलब यह है कि डीवीआर सेफ है। तो डीवीआर सेफ है तो उसके 1-2 घंटे के पहले भी फुटेज साझा किया जाए, ताकि कितने लोग वहां पे गए थे और कितने वापस नहीं निकल पाए हैं, उसका एक सही मायने पे अंदाज मिल पाए। और बात रही वहां पे, अभी वो मेरे घर से एकदम नजदीक में है टीआरपी गेम जोन, वहां पे मैंने देखा पूरा मैदान कर दिया है। व्हाट इज दिस, पूरा पुरावा का पूरा नाश कर दिया। कोई भी अभी एसआईटी का निमणूक किया है लोग ने, एसआईटी का फायदा क्या है? आकर के वो धुन भजन करेगा वहां पे? यही सवाल कोर्ट में कल रखा गया था, जिस पर जवाब देते हुए सरकारी यंत्रणा ने कहा कि वहां से जो भी चीजें हटाई गई हैं वो फायर विभाग ने हटाई हैं, ताकि वो लोगों को ढूंढ सके अगर कोई फंसा है तो। पूरा नाटक है, पूरा नाटक है, पुरावा का नाश कर दिया गया है। ये जो है वहां पे सीट, अभी आप देखे होंगे कि जब कार से होके पर हमला हुआ था, बोगी जलाई गई थी, वो बोगी आज की डेट में भी रखी गई है गोधरा रेलवे स्टेशन पे। तो ये उसका स्केलेटन क्यों नहीं रखा गया पूरा गेम जोन का? वो रखना चाहिए था। और बात रही सबको 4-4 लाख रुपया दिया, क्या जिंदगी की कीमत 4 लाख है क्या? हम देते हैं, हम उसको 4 करोड़ देंगे, उसके बच्चे को मार डालो, हम 4 करोड़ देंगे, हो पाएगा? ये तो हमने हमारे से गवाया, उसको पता नहीं, आपको पता है ये क्या होता है? वो सिर्फ 4 लाख नहीं चाहिए, बहुत अटक हो गया ये, छोड़ दिया। कोर्ट में हर कोई गुस्से में था जब आरोपी ने कहा कि ऐसा तो होता है। क्या होता है, क्या ऐसा क्या होता है, आप बताइए हमको। सिर्फ 4 लाख रुपए जिंदगी कीमत की लेते हैं लोग। सरकार ने सिर्फ लोगों का निलंबन किया, इसको इसने क्या गवाया है, इसको पूछिए ना क्या गवाया है। आज 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 एक बेटा 60 घंटे से घर नहीं आया है, न खाना न पीना, बस एक ही आस में बैठे हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, क्या आएगा? एक हमको उसका बॉडी मिल दीजिए, दे दीजिए ना, हम रिस्पेक्ट के साथ उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, बस। वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। सरकार तो अब कहती है कड़े कदम उठाएंगे। हमने भी सुना था जब रणी कांड बोट पलट गई थी तब भी सुना था, तक्षशिला कांड सूरत हुआ तब भी सुना था, कांकरिया में भी सुना था, मोरबी झूलता पुल भी गिर गया उस टाइम भी सुना था। कड़े से कड़े कदम बहुत उठाए, बहुत उठ गए। हमको नहीं चाहिए कड़े कदम, बस हमको हमारे बेटे की बॉडी दीजिए, हम रिस्पेक्ट के साथ उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, बस। हाईकोर्ट कहती है सरकार पे विश्वास ही नहीं। हाईकोर्ट का नजरिया होगा, हमारा नजरिया हमारे बेटे की बॉडी चाहिए, बस बात खत्म। फायर सेफ्टी भी देखनी चाहिए, जो फायर सेफ्टी 4 वर्ष से वो चल रहा था गेम जोन, फायर सेफ्टी को एक भी साधन नहीं था, अब बोल रहे कि फायर सेफ्टी आ रहा है, साधन मिल रहा है, ये अभी नया नया है, पैकिंग भी नहीं खुला, तो 4 वर्ष तक किसी ने देखा नहीं कि फायर सेफ्टी कोई साधन नहीं लगा, तो क्यों पगला नहीं लिया? अब बोल रहे कि एनओसी नहीं लिया, वो लिया, पुलिस बोल रहे है कि ले लिया है, और फायर बोला है कि नहीं लिया, तो उसके सामने भी कड़क से कड़क पगला लेना चाहिए। फायर ऑफिसर को सस्पेंड नहीं, उसको जेल की सजा होनी चाहिए, कड़क की कड़क सजा होनी चाहिए। मांग काफी वाजिब है, बेटा 60 घंटे हो गए घर नहीं लौटा, डीएनए की रिपोर्ट मैच नहीं हुई। परिवार का कहना है कि कई हादसे गुजरात में हुए, हर हादसों के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाने की बात कही, लेकिन इस बात के बाद भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो अब सरकार
क्या कर रही है नहीं कर रही है इस पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे का जो भी है शव हो या फिर जिस भी स्थिति में हो वो परिवार को मिल जाए, यही मांग परिवार की है। कैमरा पर्सन अनिल संगारे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, राजकोट।